नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। चुनाव लड़ेगा भाजपा, मैनपुरी की हार का आकलन नहीं कर पा रही। जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के सेनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री बलराम यादव की पत्नी के 5 दिन पूर्व निधन पर शोकाकुल परिवार को सांत्वना जताने घर पर पहुंचे थे, जहां आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पार्टी के जिले के सभी नेतागण विधायक का मौजूद रहे। बलराम यादव के पुत्र संग्राम यादव के उनके सबसे करीबी मित्र वो दुनिया के दूसरे नंबर से किस स्थान पर पहुंच गए उन्हें कोई परवाह नहीं है। 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डूब गया और सरकारी संस्थाओं का पैसा डूबा है। पैसा जो LIC में था, पैसा जो SBI का है, पैसा जो और संस्थाओं का था, उनका सब पैसा चला गया। आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी? और आखिरकार डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर का महंगा होना, बिजली का महंगा होना, बस के किराए का महंगा होना, ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? दूध महंगा हो गया, क्या किसान जो पशु रख रहा है, जिसके पास गाय है भैंस है, क्या पैसा उस तक पहुंच रहा है? तो ये सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ BJP के लोग बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। क्या उनसे पूछें कि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।